अगर देखा जाए तो वास्तविक ज्ञान पुस्तकों व ग्रंथों के साथ पढ़ने से नहीं बल्कि वास्तविक अभ्यास करने से होता है, जो सैकड़ों वर्ष पहले ऋषि मुनियों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जिससे न सिर्फ राष्ट्र का निर्माण होता था बल्कि पूरे विश्व की सृष्टि में सहायक होती थी। ऐसी प्राचीन शिक्षा धीरे धीरे विलुप्त होती गई और पुस्तकों में सिमट कर रह गई, और पुस्तक की शिक्षा सिर्फ एक मानव जीवन तक ही काम करती आ रही है, फिर चाहे घर हो या परिवार हो या देश भी क्यों ना हो, सबके सब बट रहे हैं। इसलिए खरगोन के एक शख्स ने ऋषि मुनियों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया है, ताकि राष्ट्र निर्माण हो सके, जो बहुत ही अद्भुत शिक्षा प्रणाली है। इसके लिए आपको दिखाते हैं खरगोन से हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता की यह खास रिपोर्ट। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप? हम खरगोन से हैं, अभी भारत भ्रमण के लिए निकले। अभी खरगोन से सिविल महादेव से असिरगढ़ से बुरानपुर तरफ से सेंद्वाल से फिर अभी हम खालवा गए, खालवा से ओमकारेश्वर से अभी खरगोन। आप भारत भ्रमण में क्या चीज लोगों से जानना चाहते हैं और दूसरों को शिक्षा देना चाहते हैं? हेलो, हम अभी पूरे देश में जो स्थिति है वो उसमें जो व्यक्ति है उनको सिखाएंगे कि आप अभी जैसे कि स्कूल में जाके अभी बता कि स्कूल में सब जाने के लिए रो रहे थे कि नहीं जाना लेकिन बेटे तो ऐसा नहीं, उनको बताने का मतलब उनको समझाने का कि आपको ये नहीं करना है, ऐसे गुरुकुल में जाना वो समझाना चाहिए। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले बेटा और उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 7 साल का हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, भरूच जिला कमलेश्वर का हूँ। क्या नाम है? पापा का नाम स्नेहल भाई। आपको 7 साल की उम्र में गीता के कितने श्लोक याद हैं? अभी मेरे को 200-300। तो एक श्लोक आप बताएंगे कोई सा गीता का? हाँ। बोलिए। संन्यासम कर्म राम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यत्स्य एतयोरेकं तन्मे गुरु सुनिश्चितम्। आप गुरुकुल में कितने समय से अभी अध्ययन कर रहे हैं? गुरुकुल में शिक्षक कौन है और कौन सी गुरुकुल है? अभी भगवान पहले के जो हमारे महापुरुष थे उनके जैसे गुरुकुल थे वैसे ही हमारे गुरु जी भी हमको पढ़ाते हैं, वैसे हमारा जो कहाँ पे है अभी? अभी खरगोन जिला। क्या नाम है भाई? मेरा नाम आलोक विश्वनाथ अमजकर है, सोलापुर से आया हूँ मैं। और जो पूरे निस्वार्थ भावना से जो भारत के लिए या हमारे भारतीय संस्कृति के लिए पूरा जीवन समर्पित करते हैं उनकी या हम पढ़ते हैं, और वो भी निस्वार्थ संस्कृति मतलब निस्वार्थ से उन्होंने तपोन शुरू किया है, और जो इतनी निस्वार्थ भावना से सिखाते हैं, और वो भी पूरे ऋषि हमारे जो परंपरा पूर्वजों की परंपरा है वो पूरा ज्ञान देते हैं, फिर उनका तो ज्ञान चुकाना यानी महान बनना ही हमारा लक्ष्य है। गुरुकुल में आपने अभी तक क्या शिक्षा प्राप्त की है? हमने तो अभी गीता कंठस्थ कर ली है पूरी गीता, और जो संकल्प पूर्ति है वो भी हमने एक संकल्प लिया था कि 108 सूर्य नमस्कार कर ही लेंगे। और तो गीता का कोई ऐसा? आपको बता दें कि खरगोन में एक शिक्षक ऐसे भी हैं जो आज भी प्राचीन शिक्षा को कायम रखे हुए हैं। नाम है प्रणेश पिता दिनेश पाटीदार। प्रणेश ने तपोवन नाम से खरगोन के जंगल में एक संस्था कुछ महीने पहले ही प्रारंभ की, जिसमें मात्र 12 बच्चे अलग अलग प्रांतों के इस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इस तपोवन में एक बच्चा ऐसा भी है जिसको गीता के 200-300 श्लोक मौखिक याद हैं, जिसकी उम्र महज 7 साल है, जो वाकई में हर किसी को हैरान करने वाली है। इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पूरी गीता कंठस्थ याद हो चुकी है। शिक्षक प्रणेश पाटीदार ने बताया कि अभी हम भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, अगर हमारे संस्कृति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना है तो सिर्फ भारत भ्रमण से मिलेगा, ना कि किसी पुस्तकों से। इसलिए हम सायकाल से भ्रमण कर रहे हैं, जो प्राचीन शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। भारत भ्रमण पर निकले तपोवन के शिक्षक और शिक्षकों को आज गोगावा में देखा गया था। आइए तपोवन के शिक्षक व शिक्षक क्या कह रहे हैं आपको भी सुनाते हैं। मुख्यतः हम जिस तपोवन शिक्षा पद्धति को लेकर निकले, हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा भी रही है,
कि अगर किसी को महान ध्येय देना हो और स्थिति जाननी हो, पुस्तकों का ज्ञान कभी भी जीवन में उतना उपयोगी सिद्ध ना होने के कारण ऐसी स्थिति को देखते हुए उद्देश्य ये था कि बच्चों को भारत, असली भारत देखने को मिले, या किसी की नजरों से देखने के बजाय हमारे ऋषि मुनि, हमारे प्राचीन संस्कृति या अभी सद्य स्थिति को देखकर हमें अपने जीवन को ध्येय, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा हो, इसलिए हम अपना भारत जान सके। पहला प्रथम लक्ष्य यही था कि हमें ज्ञान प्राप्त हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो, और दूसरी बात कि हम ये संदेश दे सके कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी हम हजारों सालों से, लाखों सालों से, करोड़ों लोग बस एक पैटर्न जैसा जीवन जी रहे हैं। हम सोच ही नहीं रहे कि हमारी नदियां, हमारे महापुरुष, हमारी पहचान, हमारे कुल, हमारी परंपराएं, हमारा ध्येय क्या होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से जीवन जी रहे हैं जिसकी कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी। इसलिए मुझे ऐसा था कि इन छोटे बच्चों को देखकर, 2 मिनट के लिए तो भी रोड पर चलने वाले व्यक्ति को, बाइक पर हो, कार में हो, या कैसा भी हो, उसके 2 मिनट के लिए तो बुद्धि रुक ही जाएगी कि ये प्रवाह के विरुद्ध तैरने वाले, प्रवाह के विरुद्ध चलने वाली कोई तो पीढ़ी है, और वो हमारा ही खून है। आज हमने टीचर्स डे पे हजारों बच्चों को स्कूल जाते देखा, क्या एक भी ये चिंतन करेगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? मुझे ईश्वर ने इस महान राष्ट्र में, महान धर्म में, महान जाति में, महान कुल में, महान परंपरा में जन्म दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, श्री कृष्ण, श्री राम, या ईश्वर खुद 10 बार जहां जन्म लेना चाहता हो, उस वो देश कैसा होगा। हमने सतपुड़ा रेंज इन छोटे छोटे बच्चों ने पार किया है, 600 किलोमीटर साइकिलिंग किया है, और उसमें बारिश हुई। असीरगढ़ चढ़ते समय बच्चों को पूछा कि जब पैर दुखते हैं, तकलीफ होती है, भूख लगती है, तब आपको क्या अनुभव हुआ? तो उनका जवाब था, संभाजी महाराज को जब धर्म के लिए मृत्यु आया, बस वो विचार किया और हम चढ़ गए। 4 किलोमीटर का बड़ा पहाड़ चढ़ने वाले हैं। हमें भी छोटे बड़े बच्चों को ऐसा था कि हम बड़ी यात्रा करेंगे, लेकिन छोटों का उत्साह देखकर बड़ों को लगा, नहीं, हम सब साथ में ही जाएंगे और साथ में एक दूसरे को लेकर चलेंगे। इस छोटी सी उम्र, लेकिन आप कोई नहीं जान पाएगा कि इसमें साइकिल किसकी है, क्योंकि ममा और तवा, मेरा और तेरा, इससे कोई ऊपर नहीं उठ पा रहा है। लेकिन इन बच्चों को शिक्षा ही वो दी जाए कि हम इससे ऊपर उठे। इसलिए जहां जहां भी गए, बहुत अच्छे लोग मिले, प्रभावित हुए, लेकिन एक दुख की बात ये हुई, जो बच्चों को अनुभव में हम बैठे थे और हमने अनुभव लिया कि क्या आपका अनुभव रहा, तो उन्हें ये दर्द हुआ कि सबको एक महान आश्चर्य लगता है, जबकि इसमें आश्चर्य कुछ भी नहीं है। पूरा देश देखना, या हर भारतीय का जन्म लेने के बाद एक ध्येय में से एक ध्येय होना चाहिए कि मैं अपना देश देखे बगैर मरूंगा नहीं, अपने तीर्थ क्षेत्र देखे बगैर मरूंगा नहीं, ऐसा बेकार जीवन नहीं जीऊंगा। लेकिन आश्चर्य कि सभी लोगों को एक अलग सा कुछ लगा। चलो, हमारे लिए एक खुशी की बात थी कि वी आर डिफरेंट, हमें महसूस हो, लेकिन ये दुख भी हुआ कि उन्हें कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी महानता, हमें कुछ भी पता नहीं। इसलिए हमारा उद्देश्य लगभग पूर्ण होने को है, और आज भी हमारी महान परीक्षा हुई। सुबह 6:30 बजे हम लोग ओमकारेश्वर से निकले हैं। पिछले 3 दिन से बारिश में हम अनलिमिटेड चला सकते हैं, 150 किलोमीटर साइकिल चला सकते हैं। आज सुबह से हम निकले हैं और 4 घंटे में हमने 70 किलोमीटर जितना पार किया, और किसी भी बच्चे के चेहरे पर यह नहीं था, पैर दुखते हैं, लेकिन वो याद करते कि हम गीता के कौन से श्लोक सीखे हैं, जातस्य ध्रुव मृत्यु, अगर मृत्यु निश्चित है और ये शरीर की मृत्यु मृत्यु नहीं होती, हमारी संस्कृति की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन हमारे शरीर को बचाकर करेंगे भी क्या। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।